21 जून वर्ष 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की शुरुआत हुई। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस दिन को मनाने की पहल की। दिसंबर वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। संयुक्त राष्ट्र में 177 सदस्यों ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से समर्थन दिया। 21 जून के दिन को चुनने की वजह यह है कि यह दिन वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और योग भी मनुष्य को दीर्घायु बनाता है। योग पर लिखा गया पहला सुव्यवस्थित ग्रंथ है योग सूत्र। इसे महर्षि पतंजलि ने लिखा था। पतंजलि ने अष्टांग योग में योग को 8 सूत्रों में पिरोया है। इन 8 अंगों के अपने अपने उपअंग भी हैं। मौजूदा वक्त में योग के 3 ही अंग सबसे ज्यादा प्रचलन में हैं, आसन, प्राणायाम और ध्यान। माना जाता है कि योग का अभ्यास सभ्यता की शुरुआत के साथ शुरू हुआ। योग को 2700 ईसा पूर्व सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता के अमर सांस्कृतिक परिणाम के रूप में माना जाता है। योग विद्या में शिव को पहले योगी यानी आदि योगी और पहले गुरु के रूप में देखा जाता है। 21 जून वर्ष 1940 में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार का निधन हुआ। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक थे। केशव बचपन से ही क्रांतिकारी प्रवृत्ति के थे और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ हमेशा आवाज बुलंद की। हेडगेवार पर बाल गंगाधर तिलक और विनायक दामोदर सावरकर के जीवन की घटनाओं का बहुत गहरा प्रभाव था। वर्ष 1910 में जब ये पढ़ाई के लिए कोलकाता गए तो उस समय वहां क्रांतिकारी संस्था अनुशीलन समिति से जुड़ गए। डॉक्टर हेडगेवार ने अंग्रेजों के खिलाफ उग्र भाषण देना शुरू किया। वे असहयोग आंदोलन में भी जेल गए। वर्ष 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में उन्होंने सक्रियता से भाग लिया। 1925 में विजयदशमी के दिन ही हेडगेवार ने संघ की स्थापना की। इन्होंने संघ के बारे में कहा था कि देश का मौजूदा भाग्य तब तक नहीं बदल सकता जब तक लाखों नौजवान इस लक्ष्य के लिए अपना जीवन नहीं लगाते। वर्ष 1930 में हेडगेवार नमक सत्याग्रह से जुड़ गए और इस दौरान वे जंगल सत्याग्रह में जेल भी गए।